नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं अर्थ अफेयर्स। स्वागत है आपका। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक तो नया सीरीज जो कि नाउन से लेकर प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रभार, वर्ब होते हुए कंजक्शन और इंटरजेक्शन पर जाके ख़त्म होगा। तो बेसिक सी चीज़ है, आप सभी को मालूम होगा ही, फिर भी एक बार रिवाइज के लिए आप लोगों के बीच देखिएगा और बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। सबसे पहले हम लोग आज के बारे में जानते हैं नाउन यानी संज्ञा। नाउन संज्ञा क्या है? तो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, द वर्ड यूज इन द सेंटेंस दैट प्रेफर द नेम पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर नोन एज नाउन। यानी कि हिंदी में देखिए, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति यानी कि पर्सन, एनिमल यानी कि जानवर के नाम को, प्लेस यानी स्थान के नाम को एंड थिंग्स यानी वस्तु के नाम को, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे हो गया अल्पा, अंकिता, अभिनव, टेबल। जैसे हमारे और आपके नाम होते हैं ना, अल्पा, अंकिता, अभिनव, और किसी के भी नाम होते हैं जैसे टाइगर, लायन, सब सब नाउन है। और टेबल, दिल्ली यानी जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे हो गया, सब कुछ नाउन है। डॉग, कैट, जी यानी कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसका नाम है, वो चीज़ नाउन है। मोहन इज अ बैड बॉय, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए। मोहन एक बुरा लड़का है। तो मोहन एक बुरा लड़का है तो इसमें नाउन कौन सा है? तो यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है? यहाँ पे एक एक मोहन है, यहाँ पे नाउन मोहन है और यहाँ पर यानी बॉय है। मोहन नाम हो गया। ऊपर ही आपको बताया गया है किसी भी व्यक्ति के नाम, यानी मोहन किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया। और बैड बॉय, बॉय मतलब लड़का। क्या है मोहन? तो लड़का है, तो ये भी एक नाम हो गया। जैसे जानवर, जानवर, डॉग क्या है? तो जानवर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि डॉग डॉग नाउन है, इसी तरह बॉय भी नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो सीरीज में देखते हैं कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट विच मीन्स इंक्लूडिंग अस। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाव जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हिंदी में। सॉरी गाइज। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। और मॉडर्न जो ग्रामर दिया हुआ है, मॉडर्न ग्रामर में 3 प्रकार के नाउन होते हैं। और जो ये पुराने वाले पद्धतियों, पुराने वाले ग्रामर के अनुसार चले तो वहाँ पे 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अभी 5 प्रकार के ही पढ़ना बेहतर रहेगा क्योंकि अभी भी इसको पढ़ा जा रहा है, इसको हटाया नहीं गया है सिलेबस से। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का दिया गया है, प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन है, अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि वाइल राइटिंग द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन कैपिटल लेटर। यानी कि प्रॉपर नाउन आप कहीं भी देखेंगे, ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर।
कहीं भी आप प्रॉपर नाउन देखेंगे वो कैपिटल से ही शुरू होता है, फर्स्ट कैरेक्टर उसका जो होता है कैपिटल में शुरू होता है। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन हिंदी में क्या है। जो किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराता है, यहाँ पे देखिए दिखाने लायक है, 1 मिनट। जो किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिखते समय प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। ये आपको पूरे ऊपर वाले ही में यहाँ पे दिखा दिया गया था कि लिखते समय आपके जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होता है। एग्जाम्पल में दिया गया है मोहन इज अ बैड बॉय, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, एंड जो सेकंड है प्राची इज अ गर्ल। दो तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों एग्जाम्पल देखते हैं कि दोनों में से प्रॉपर नाउन कौन है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन प्रॉपर नाउन क्या है, मोहन इज अ बैड बॉय। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन है, तो मोहन है, क्योंकि ये आपको एक व्यक्ति का बोध करा रहा है कि इज अ बॉय। मोहन क्या है, एक बॉय। प्राची क्या है, प्राची प्रॉपर नाउन है। प्राची क्या दर्शा रही है, प्राची एक गर्ल है। तो जो जो किसी भी व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध कराता है, यानी कि अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल नेम, पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम। तो यहाँ पे ये मोहन और प्राची दोनों प्रॉपर नाउन हुए। आइए देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, बट दे आर नॉट एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस और थिंग्स। तो इसका हिंदी में देखते हैं डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। कॉमन नाउन वह नाम जो एक वर्ग, वह नाम है कॉमन नाउन वह नाउन है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्ति या वस्तुओं का समान रूप से दिया जाता है, लेकिन वे जगह लोगों या चीज़ों का वास्तविक नाम नहीं है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, इससे क्या बोध होता है। वह मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन किस जाति का है, तो मोहन लड़का है। तो यह इसकी जाति की बोध कराती है। टाइगर इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टाइगर इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो टाइगर क्या है, तो टाइगर एक एनिमल है, एक एनिमल का प्रकार है। तो यहाँ पर टाइगर क्या बोध करा रहा है, एनिमल क्या है, तो एनिमल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। टाइगर क्या है, जानवर है। मोहन क्या है, लड़का है। मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन क्या है, बॉय। बॉय क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो तीसरा है कलेक्टिव नाउन, स्पेशल नेम्स हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर रेफर टू एज वन इन अ कलेक्टिव वे, सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। तो वैसा नाउन जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन इज रीडिंग अ क्लास, तो क्लास क्या है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। मोहन इज प्लेइंग अ फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड क्या है, ग्राउंड में अनेकों बच्चे खेल रहे हो, तो ग्राउंड में क्या हुआ, तो ग्राउंड हो गया समूहवाचक संज्ञा। वैसा नाउन जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ये पांचवा नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए क्वालिटी एक्शन और स्टेट व्हेन दैट क्वालिटी एक्शन और स्टेट इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका हुआ वैसा नाउन जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण या स्थिति का आभास होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, लेकिन भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
वैसा नाउन जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण या स्थिति का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑनेस्ट दिया गया है यहाँ पर। एग्जाम्पल में ऑनेस्ट, ब्यूटी और अगली। एग्जाम्पल में ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदारी से क्या आपको समझता है? भाव के समझ, भाव की प्रधानता है। ब्यूटी सुंदरता क्या है? उसमें वह एक भाव प्रदर्शित कर रहा है। और अगली, सिमरन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सिमरन क्या है? तो ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ब्यूटीफुल क्या शो कर रहा है? तो ब्यूटीफुल शो कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ब्यूटीफुल क्या शो कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और लास्ट है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाउन दैट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ ए लिक्विड और मैटर बट डज नॉट काउंटेबल कॉल्ड एज मटीरियल नाउन। यानी कि वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, मापा तोला जा सके, लेकिन जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा वैसी संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जो मापा या तोला जा सके लेकिन उसको गिना ना जा सके, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल में हो गया गोल्ड, वाटर, ऑयल, इटीसी। यानी कि गोल्ड को, सोना को आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। पानी को, ऑयल, तेल हो गया, तेल को भी आप माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हम लोग कल अगले कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।